हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड सो इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड एनी डाउट इन द प्रीवियस लेक्चर? कल हमने नेपाल पढ़ा था, एनी डाउट इन दैट वन? राइट, नेपाल को हमने अंडरस्टैंड करा था और नेपाल के अंदर हमने काफी चीजें पढ़ी थी और मल्टीपल डायमेंशन में हमने उसको समझने की कोशिश करी थी, है ना। जो रियल क्रक्स है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए, ये तब जाकर आप उनको कॉपी में उतार पाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपका एक अनाउंसमेंट है। कल आपका टेस्ट है, ठीक है? तो टेस्ट विल स्टार्ट एट 7:15, ठीक है? और क्योंकि पहला पहला टेस्ट है तो इसमें मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा, सिर्फ 4 क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है? और टेस्ट का टाइम जो होगा दैट इज ऑल्सो कि आप 9 बजे तक टेस्ट आपको सबमिट करना है, ठीक है? अभी क्योंकि पहला टेस्ट है इसलिए, है ना, सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, 9 बजे तक टेस्ट को आपको सबमिट करना है, पहला पॉइंट, ठीक है? दूसरा पॉइंट, कैसे करना है टेस्ट को सबमिट, मैं आपका टेस्ट का एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, है ना। टेलीग्राम पे एक अलग से ग्रुप बनेगा, वहीं पर आप भेजिएगा प्लीज, अदरवाइज पीडीएफ आपको खुद को देखने में दिक्कत होगी, है ना। तो टेस्ट का अलग से ग्रुप बनाया जाएगा, आंसर राइटिंग ग्रुप, ठीक है? आंसर राइटिंग ग्रुप पे आपको टेस्ट की कॉपीज मेरे को सबमिट करनी है, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टेस्ट पे आप ये ध्यान रखें, नेम आपका लिखा होगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? टेस्ट नंबर तो खैर नहीं, टेस्ट नंबर भी बोल देना, टेस्ट नंबर और लिखा होगा, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लिखी होंगी। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन पूरा लिखना है आपको, ठीक है? आंसर 1 करके जिसकी भी कॉपी होगी मैं नहीं चेक करूंगा उसको, ठीक है? क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, उसके नीचे आंसर लिखा होना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन को आप बार बार में देखें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करना, बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है? और क्वेश्चन को पढ़ना, उसके कीवर्ड्स को भी देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखने की कोशिश करना, ठीक है? पहला टेस्ट है इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स होकर करें। टेस्ट नंबर 1 इस तरह से आपको लिखना होगा उसके अंदर, ठीक है? नेम एंड टेस्ट नंबर 1 आपको लिखना होगा, राइट? फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी कॉपी सबमिट करें तो कैसे करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में करेंगे। ऐसा नहीं कि एक एक पेज आप खींच खींच के दे रहे हैं और मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको मतलब एक ही आपका फाइल होना चाहिए आंसर का, आंसर का एक ही फाइल मिलेगा मेरे को, ठीक है? ऐसा नहीं कि अलग अलग अपने पेजेस के अंदर क्लिक करके मेरे को दे दिए, ठीक है? दैट इज नॉट अलाउड। तो ये जो सारे जो होगा ना, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि 9 बजे के अंदर अंदर ही आपको कॉपी दे देनी है, ठीक है? जो भी 9:05 पर कॉपी देगा उसकी कॉपी चेक नहीं होगी, समझ आ रहा है? ये इसलिए कि भाई टाइम कंस्ट्रेंट में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे तो 10 बजे तक आप कॉपी लिखते रहेंगे तो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है? शुरू से ही पहला पॉइंट ये, 7:15 पे आपका टेस्ट दिया जाएगा आपको, उसी वक्त आपको बैठ जाना है, बिल्कुल जैसे आप क्लास में बैठते हैं उसी तरह से आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग जब करेंगे, ठीक है, तो आप इसके अंदर देखेंगे आपको नेम और टेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको देना है सबको पेपर, ठीक है? और इन्हीं चीजों के ऊपर कॉपी चेक होगी, राइट? अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपका पहला टेस्ट है, जितनी गलतियां करना चाहो ना उतनी गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी गलतियां से ही मेरे को पता चलेगा कि आपका कहां सुधार आपको करना है, फील फ्री, ठीक है? पूरा का पूरा रिवाइज करके आओ और बस एक बात दिमाग में रखना, एक बात दिमाग में रखना कि हमको क्वेश्चन कम से कम 3 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, और एक बार जब लिख रहे हैं ना उससे पहले भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है? कि क्या हम, और बीच में भी पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन, ऐसे करके 3 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्योंकि ऐसा होगा, देखना सबकी कॉपी में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जो भी बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो कि इथिक्स के आंसर राइटिंग कर चुके हैं तो उनको काफी चीजें बहुत क्लियर है, काफी अच्छे आंसर्स वो लिख रहे हैं, ठीक है? वो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए आपने कोई इशू पढ़ाया तो मैंने बहुत बेसिक से वो इशू पढ़ाया है ना, पर क्वेश्चन मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डायमेंशन पर है और आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखने वाले हैं, मुझे ये पता है, हमेशा क्वेश्चन जब लिखो 2 बातें ध्यान में रखना कि भाई एक तो अपने पास वर्ड लिमिट है ना, और एक हमको क्या करना है, हमको वर्ड लिमिट है, और एक हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा है ना वही आंसर देना। हमको अपना ज्ञान नहीं बांटना है यहाँ पर कि लगे ज्ञान बांटने की, साहब हम ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, कोई नहीं सुनना चाह रहा है, ठीक है? मैंने जो आपको पढ़ाया है दैट इज नॉट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन, सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन का नहीं पढ़ा है, पेपर 1, 2, 3, 4 सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर मिक्स करके आपको, ठीक है? और ऐसे राइटिंग का भी पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज कीप इन योर माइंड कि दिस इज नॉट ऐसे राइटिंग, ठीक है? तो आपको बहुत पर्टिकुलर होकर आंसर देना है, ये आप कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है ना, बाकी करोगे वो जो तुम करना है ना वही तुम करोगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दिस वन, और गलतियां करो, 1000 गलतियां करो, मैं तुमको डिटेल एनालिसिस करूंगा इस चीज का, ठीक है? क्या क्या आपने गलती करी है, ठीक
ठीक है, हो सका पॉसिबल, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा हेल्थ का इशू चल रहा है, हो सका पॉसिबल तो सबको पर्सनली कॉल करके बताऊंगा क्या क्या आपने गलती करी है। ठीक है, अपनी तरफ से मैं 100% देने की कोशिश करूंगा, बट सभी बच्चे एक बात ध्यान रखें, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन लिखना है। इंटरनेशनल रिलेशन में ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स है, 30 कॉपीज मेरे पास आनी चाहिए। कोई एक्सक्यूज यहाँ पर नहीं होगा कि सर ये एक्सक्यूज हो गया, साहब ये बीमार पड़ गए थे, सर नवरात्रा चल रही है, सर व्रत कर रखा था हमने, ठीक है सर डांडिया खेलने चले गए थे, फैमिली में कोई आ गया था, ठीक है तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत मेरी भी खराब है फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो इस तबीयत का तो कोई बहाना बनाना ही मत। ठीक है, टैबलेट लेकर दो, कुछ भी करो, सर दूसरी क्लास अटेंड कर रहे थे, ये सारे बहाने नहीं, कोई अलग सा इनोवेटिव सा बहाना हो दैट विल बी मोर देन अप्रिशिएटेड, बट इस तरह के बहाने बिल्कुल नहीं चले। सभी बच्चों को टेस्ट देना है। देखो जब तक चीजों को नहीं लिखोगे, जब तक हाथ नहीं चलाओगे, पेन नहीं चलाओगे, तब तक चीजें नहीं है। ज्ञान लेने में बहुत मजा आता है पर ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना बहुत हार्ड है, और वो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग तभी आप सीखोगे जब आप लिखोगे। एवरी वन ऑफ यू हैव टू राइट द आंसर, एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, नहीं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ऑन द सीरियस नोट, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। ठीक है, और इसको बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें प्लीज। जितनी कॉपी आएंगी मेरे को टेस्ट की, चाहे कुछ भी मत लिखो, तुम बस क्वेश्चन लिख कर छोड़ दो, ठीक है, पर आपको अटेम्प्ट करना है, आपको पेन चलाना आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कि है ही नहीं अभी, मतलब उन्होंने नेक्स्ट ईयर वो देंगे तो उनके लिए अलाउड है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, 3-4 स्टूडेंट है, है ना, बाकी जिससे मैंने बात कर रखी नहीं करिए ना, सबको देना है टेस्ट, कोई भी टेस्ट को नहीं करेगा। अभिषेक देवयानी, आमिर, उज्ज्वला, प्रणीत, अंकिता, दीप्ति, छत्रपति, सबको, आदित्य, सुषमा, सबको मैं नाम से बोल रहा हूँ, सबको आपको क्या करना है, आपको टेस्ट देना है ना, सभी बच्चों को, जिसका नाम ही है उसको भी देना है, राइट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, इंडिया एंड नेपाल। सर इसका जो मतलब आज तक जो पढ़ा देंगे वो पूरा सिलेबस रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, आज तक का जो पढ़ा रहा हुआ है वो सारा का सारा सिलेबस आपको आएगा। ठीक है, और मैंने आपको कह ही रखा था पहले से कि 1 तारीख का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप, मैं आई होप कि आप लोग रिविजन कर रहे होंगे। ठीक है, पहले से मैंने आपको अनाउंस कर दिया था। ठीक है, तो आज तक का वो सारा आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कुछ भी है वो सब आएगा, बट अपना आपका वे ऑफ आंसर राइटिंग आप अपने हिसाब से करना, कैसे बॉडी पार्ट लिखते हो वो सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपकी फिर गलतियां मेरे सामने नहीं आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार आप दे देंगे तो अच्छे से डिस्कशन अपन कर लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इंडिया नेपाल, अपन पढ़ रहा था, और इंडिया और नेपाल के अंदर हमने कहा था कि चाइना और भारत के बीच में। अच्छा, किसी को डाउट है तो पूछिए, एनीवन हैज एनी डाउट रिगार्डिंग टेस्ट? ठीक है, तो भारत और चाइना के बीच में फंसा हुआ एक कंट्री, दैट इज नोन एज नेपाल। नेपाल इज नोन एज बफर स्टेट। बफर स्टेट के साथ साथ हमने लिप एंड टीथ रिलेशन भी समझा था, व्हाट इज लिप एंड टीथ रिलेशन इन नेपाल, ये भी हमने इसके अंदर समझा था। हमने फिर इसके अंदर पॉलिटिकल डायमेंशन देखी थी नेपाल के अंदर, है ना, और नेपाल के अंदर पॉलिटिकल डायमेंशन जब हमने देखी थी तो हमने देखा था कि नेपाल को राणास एज वेल एज किंग, और यहाँ पे 3 पावर सेंटर थे और डेमोक्रेट्स, और फिर हमने देखा था किस तरह से पावर टसल हुआ था, क्या क्या चीजें हुई थी, फिर पैलेस कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई थी, किस तरह से किंग महेंद्र जो थे हमको पूरी तरह से उन्होंने हमारा जो है हमको क्रिटिसिज्म करा था और नेपाल को एक अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे लेकर चले गए थे। ठीक है, किस तरह का चाइना का इन्फ्लुएंस रहता है, चाइना के इन्फ्लुएंस से किस तरह से डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन यहाँ पर आते हैं, है ना, हम डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन जन आंदोलन स्टार्ट होते हैं फिर वो कम्युनिज्म की तरफ किस तरह से चल जाता है, ये सब चीजें हमने डिटेल के अंदर यहाँ पर पढ़ ली थी। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, और हम इस चीज से ये कह सकते हैं कि जब भी नेपाल ऐसे कहता है, नेपाल ऐसे कहता है, कैसे कहता है सर, कि नेपाल ये बोलता है कि भाई देखो कि इंडिया इज बुलिंग अस, ठीक है, बुलिंग कर रहा है, तो हमें पता है कि अगर हिस्टोरिकल डायमेंशन देखें तो इंडिया ने डोमिनेट करने की कई बार कोशिश करी है नेपाल के ऊपर। ठीक है, नेपाल को डोमिनेट करने की कोशिश करी है ना, और ब्लॉकेड करके एक बार राजीव गांधी ने भी ब्लॉकेड लगाया था। ठीक है, और दूसरा हमने ब्लॉकेड लगाया था किसके अंदर, आफ्टर 2015 जब क्या हुआ था, जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन, पर हमें कभी ऐसा नहीं लिखना है कि हमने ब्लॉकेड लगवाया था। ठीक है, हम कहेंगे भाई यहाँ पर बहुत सारी क्या हो गया था, यहाँ पे बहुत सारा इशू क्रिएट हो गया था, यहाँ पे दंगे भड़क रहे थे तो इसलिए हम सप्लाई नहीं कर पाए, हमारा यही हमेशा आंसर रहना चाहिए। ठीक है, जबकि नेपाल कहता है ये दंगे भड़काने वाले तुम ही तो हो, और कहीं ना कहीं नेपाल की बातों के अंदर सत्य भी छुपा हुआ है। समझ में आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अपन देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनने में किस तरह डिले हुई थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर अपन ने इसके अंदर समझा था डिटेल में, हमने समझा था व्हाट इज
जेरीमेंटरिंग, ठीक है, जेरीमेंटरिंग किस तरह से करा हुआ था यहाँ पर और उसके कारण क्या क्या इश्यूज क्रिएट हुए और नेपाल को क्या प्रॉब्लम हुई, फिर इंडिया ने किस तरह से रेक करा, ब्लॉकेड किस तरह से हुआ, ब्लॉकेड होने के बाद किस तरह से इशू को इंटरनेशनलाइज करा गया और बोला गया कि भारत जो है इंटरफेयर कर रहा है इन द सोवरेंटी इंटेग्रिटी टेरिटोरी इंटेग्रिटी ऑफ नेपाल, ठीक है। और उसके बाद से हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो खराब ही होता जा रहा है और अभी भी खराब ही होता है। 2015 के बाद से अगर आप देखेंगे रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही नेगेटिविटी आई है और अभी तक हम नेगेटिव ही चल रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। अब यही जब चल रहा था इससे इसके बीच में एक 2020 की हम बात करें तो 2020 में एक नया इशू स्टार्ट हो गया, इंडिया और नेपाल का टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच में भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, यहाँ पर भी अभी बाउंड्री जो है सेटल नहीं हुई है। तो व्हाट आर द टेरिटोरियल डिस्प्यूट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्या है ये हमको इसके अंदर समझना पड़ेगा। समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा 1815 के अंदर, 1815 जब भारत के अंदर ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है सर। हर जगह जब भी बॉर्डर आती है तो ब्रिटिश इंडिया जरूर आ जाता है, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी जगह जो था दैट इज व्हाट, दैट इज नेपाल। हमने देखा एंग्लो नेपाल वार भी हुए थे बीच के अंदर, ठीक है, बट उसके अंदर नेपाल को फिर सोवरेनिटी मिल गई थी और 1800 के अंदर 1815 के अंदर ये ट्रीटी साइन होती है ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री इसके अंदर कहा जाता है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा करने की सोची, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम एक रिवर बनाते हैं, रिवर होगी एक महाकाली रिवर, काली रिवर, ठीक है। और इस रिवर के बेसिस पे कि इस रिवर के इधर वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी इंडिया और इस रिवर के इधर वाला पोर्शन होगा दैट विल बी नेपाल, ठीक है। एक नेचुरल बाउंड्री इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी, महाकाली रिवर की एक नेचुरल बाउंड्री इसके अंदर कोशिश करी बनाने, ठीक है। तो सुगाली ट्रीटी, इसको बोलते हैं सुगाली ट्रीटी, सुगाली ट्रीटी, ये ट्रीटी साइन करी गई और उसके ऊपर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री करा गया, भारत और नेपाल का डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री किया, ठीक है। तो देखिए सुगाली ट्रीटी बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया इन 1815 और इसके अंदर बोला गया महाकाली रिवर दैट रन्स थ्रू द कालीपानी एरियाज वाज एक्नोलेज्ड एज बाउंड्री बिटवीन द टू लाइन्स, ठीक है। तो महाकाली रिवर के वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो देखेंगे कि जैसे ये महाकाली रिवर है इसके वेस्ट के अंदर जो होगा वो इंडिया होगा और ईस्ट के अंदर जो होगा दैट विल बी नेपाल, दैट विल बी नेपाल, वो नेपाल। बट यहां पर भी ब्रिटिशर्स ने यहां पर भी दिक्कत करा कि ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट डिफरेंट मैप्स यहां पर दिए जिसके अंदर यह है कि महाकाली रिवर का जो ओरिजिनेशन था ना दैट विल बी डिफरेंट। अब यहां पर देखो कि इस जगह पर क्या है, जैसे कि आपको मैप भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मैप है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे दिस इज नेपाल, ठीक है, ये नेपाल है हमारी तरफ से, ये नेपाल है और ये जो है नेपाल के बाद हम ये कह रहे हैं कि महाकाली रिवर जो है ना उसका ओरिजिन यहाँ से होता है और इस तरह से ये महाकाली रिवर बहती है। तो ये वाला एरिया हमारा और ये वाला एरिया किसका है, नेपाल का, समझ में आ रहा है, ये हम इसके अंदर बताए। और इधर इसके बाद यहाँ पर जो है ये चाइना है, ये पूरा का पूरा चाइना, ठीक है। ये हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं महाकाली रिवर का ये वाला एरिया जो है, ये वाली रिवर जो है वो महाकाली रिवर है और ये वाला जो एरिया है दैट इज ऑफ इंडिया, ये जो ट्राइंगुलर शेप का एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पर दैट इज इंडिया, ये इंडिया का उत्तराखंड का एरिया है, ठीक है। और ये जो एरिया है दैट विल बी ऑफ नेपाल, ये नेपाल का एरिया, ठीक है, सबको समझ में आ रहा। और यहां पर एक पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं काला पानी एरिया, राइट। तो काला पानी एरिया इज इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, इस तरह से यहां पर आपको देखना हो, राइट। इस तरह से हम इसके अंदर बात करते हैं। तो यहां पर आप देखें कि पर नेपाल क्या बोलता है, नेपाल बोलता है कि भाई यहां से ना बहुत सारी रिवर्स जा रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिवर्स, नेपाल बोलता है महाकाली रिवर ये वाली नहीं है, ठीक है। नेपाल कहता है कि सोर्स ऑफ महाकाली रिवर इज दिस वन, यहां से निकल रहा है सोर्स और यहां से निकलकर ये महाकाली रिवर फॉर्म हो रही। हम कह रहे हैं नहीं नहीं सोर्स है ना यहां से निकल रहा है महाकाली का और ये इस तरह से फॉर्म हो रही। अगर ये वाला डायरेक्शन ले हम, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस एरिया विल बी इंडिया एंड दिस एरिया विल बी नेपाल। तो ये ट्राइंगुलर शेप का जो एरिया है दैट विल बी इन नेपाल। नेपाल कह रहा है कि सोर्स जो है महाकाली रिवर का ऐसा है, ऐसे करके फिर ये बह जाती है। हम कह रहे हैं कि भाई रिवर तो यहां से भी बह रही है और रिवर यहां से, हम बोल रहे हैं कि सोर्स यहां से है और ये बोल रहे हैं यहां से। ब्रिटिशर्स के मैप देखिए, दोनों तरफ के मैप बनाकर चले गए वो कि भाई ये भी मैप बना रखा है, ये भी मैप बना रखा है। अब यहाँ पे सीरियस कंफ्यूज, इज दिस क्लियर, यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी। कहने का मतलब ये है कि सुगाली ट्रीटी जो है उसके अंदर ये बोल रखा है कि जहां से भी महाकाली रिवर फ्लो होगी ना उसका इधर का एरिया इंडिया का है, इधर का क्या है नेपाल का है।
हम कहते हैं कि महाकाली रिवर यहां से यहां फ्लो होती है, एक रिवर ऐसे फ्लो करके ये आ रही है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये वाला एरिया हमारा और ये वाला नेपाल। नेपाल बोलते नहीं 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 भाई, महाकाली रिवर, ये वाली रिवर महाकाली रिवर है, नो डाउट अबाउट इट, पर इसका फ्लो जो है ना यहां से आ रहा है, ये है इसका सोर्स, सोर्स यहां से कहीं से आ रहा है और इस तरह से फ्लो बन रहा है। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया हमारा है नेपाल का, इस तरह से नेपाल बोलता है कि ये हमारा धरचूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाला एरिया आता है। हम कहते नहीं, हमारा पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाला एरिया आता है। ये दिक्कत अभी, ये एरिया कंट्रोल में किसके, ये एरिया कंट्रोल ऑब्वियसली दिस एरिया इज इट इंडिया कंट्रोल, इंडिया के कंट्रोल, पूरा का पूरा इंडिया के कंट्रोल में, उत्तराखंड का पार्ट ये हम मानते हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट यहां पर है, इस दिस क्लियर। तो ये चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखो, महाकाली रिवर एज वेस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया, बट डिफरेंट ब्रिटिश मैप शोज द सोर्स ऑफ द ट्रिब्यूटरी एट डिफरेंट प्लेसेस। The discrepancy is locating the source of the river led to the boundary dispute between the India and Nepal, with each country producing map supporting their own. Any doubt? Abhishek, clear है? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर इस तरह से अपन देखा। अब ये मैप अगर हम देखें तो यहां पर देखिए लिपुले एक पास है, ठीक है, यहां पर काला पानी एरिया है, एक ये लिम्पिया दुर्रा, ठीक है। तो लिम्पिया दुर्रा से लेकर लिपुले एक पास से लेकर काला पानी एरिया जो है, ये सारा का सारा हमारा है, हम बोल रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं, जबकि नेपाल कह रहा है कि भाई नहीं नहीं ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये बड़ा हमारा एरिया, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप वाला एरिया है, जो हमको दे दो, हमें मांगता है ट्रायंगुलर शेप वाला एरिया। अब ये सब चीजें चल रही है और हमने इसके अंदर यहाँ पर अपनी फोर्सेस लगा कर रख रखी। तो सर इनको बहुत दिनों से ही डिमांड होगा इनका, हाँ, तो सर अचानक से इनका डिमांड क्यों बढ़ा है? एक तो आप ये बात ध्यान रखो कि नेपाल जब भी कुछ बोल रहा है ना, दैट आर समवट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बफर स्टेट स्ट्रेटजी। कि नेपाल जब भी कुछ करता है इंडिया के अंदर, इंडिया के अगेंस्ट में बोलता है, तो कहीं ना कहीं चाइना का पीछे से उसको सपोर्ट रहता है, ठीक है। ये तो इतनी बड़ी कंट्री से इतना छोटा कंट्री डायरेक्टली टक्कर नहीं ले सकता। चाइना कहीं ना कहीं चाइना की पॉलिसीज वो इंडिया के ऊपर अपनाता है कहीं ना कहीं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो नेपाल ऐसे बोलता है कि ये जो एरिया, इस पूरे एरिया को कालापानी एरिया अगर हम कहते हैं, कालापानी नेपाल गवर्नमेंट क्लेम वाज ए पार्ट ऑफ धरचूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, व्हाइल द इंडिया मैप प्लेस्ड इट अंडर द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ व्हाट, इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब ये समय ना पहले से था, पर एक चीज हुई कि 8 मई 2020 से ये इशू उठा वापस, और इतना उठा कि ये बहुत आगे तक चला गया। 8 मई 2020 को क्या हुआ, 8 मई 2020 को हमने एक रोड बनाई और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने आकर कहा कि हमने एक बहुत अच्छी रोड बना ली, कहां पर, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है रोड बनाई है, और ये रोड हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोड है। अब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर से यहां पर अगर आप रोड बनाएंगे तो ऑब्वियसली नेपाल कहेगा ये तो हमारा एरिया था, ठीक है। जैसे इंडिया मान लो चाइना कुछ एक्साइज चीन में बनाता है तो हम कहेंगे ये तो हमारा एरिया है, ऐसा हम कहेंगे। हमने कहा कब से एरिया है भाई, ये तो हमारा ही है ना, हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास, सुगाली ट्रीटी है इसके अंदर हमारा है। बोले नहीं नहीं ये तो हमारा है, इस तरह से हुआ। अच्छा साहब रोड क्यों बनाए, ये हम इसके अंदर थोड़ा समझते हैं। देखिए ये 8 मई का ये न्यूज पेपर है, ठीक है, 8 मई 2020, ठीक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अचीव्ड फास्टर रूट्स टू द कैलाश मानसरो पिलग्रिम्स एंड सिक्योरिटी फोर्स। देखिए हम कैलाश यात्रा पे जाते हैं, कैलाश यात्रा कहाँ है, कैलाश जो है वो जगह कहाँ पर है, वो जगह है तिब्बत के अंदर, ठीक है। कैलाश मतलब तिब्बत के अंदर, मतलब चाइना के अंदर, ठीक है, जहां पर हमको ऐसा लगता है कि शिव जी का निवास स्थान है कैलाश पर, ठीक है। वहां पर हम जाते हैं तो हमारे यहाँ से जब जाते हैं ना तो हमको बहुत घूम कर जाना पड़ता था, बहुत ही ज्यादा इस तरह से घूम कर जाना पड़ता था। तो हमने क्या करा, एक इस तरह से एक रोड बना दी जिससे कि क्या हो कि आप डायरेक्टली कैलाश के अंदर जा सकते, जिससे कि हमारे इमिग्रेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। पहले कैसे जाना पड़ता था समझो, है ना, एग्जैक्टली तो नहीं बता रहा मैं, है ना, मैप के अंदर नहीं है एग्जैक्टली। तो ये देखो मान लीजिए चाइना है और यहाँ पर मान लीजिए कैलाश, तो पहले हमको कैसे कर जाना पड़ता था, सिक्किम के थ्रू जाते थे, सिक्किम के थ्रू चाइना जाते थे, फिर चाइना से घूम के फिर कैलाश पर्वत के ऊपर जाते थे, ठीक है। अब हम ये डायरेक्ट भी जा सकते हैं, पर डायरेक्ट जाएंगे तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा नेपाल का, ठीक है। तो हमको डायरेक्ट भी हम जा सकते थे इसको, पर हम डायरेक्टली यहाँ पर सड़क नहीं थी, तो हमने क्या करा यहाँ पर सड़क बना दी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ये वाला रोड अगर हम लेते हैं, मान लीजिए सिक्किम के थ्रू लेते हैं, नाथुला पास के थ्रू, तो इस रोड के अंदर बहुत सारा एरिया हमको कवर करना पड़ेगा कहाँ पर, चाइना में,
दिक्कत है। और यहां पर हमको थोड़ा सा एरिया कवर करना पड़ेगा किसके अंदर, चाइना। प्लस ये जो रूट था ये बहुत हजारों किलोमीटर दूर है, ठीक है, हजारों किलोमीटर तक चलना पड़ेगा पिलग्रिम्स को, तब जाकर यहाँ पर पहुंचे, जबकि ये जो है ये शॉर्टकट। तो यहां पर यही चीज समझो, ठीक है। यहां पर देखिए क्या बोला गया है, इट इज ऑन द रूट ऑफ एनुअल कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हम करते हैं, जो कि तिब्बत के अंदर है, विच गोज थ्रू द उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ये निकला हुआ रोड है, ये जो रोड हमने बनाया, अभी नया रोड बनाया, पिथौरागढ़ से हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया कैलाश मानसरोवर को, जिससे हमारी पद यात्राओं वाले जो लोग हैं उनको ज्यादा संकट नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो कैलाश मानसरोवर के लिए पहले ऐसे घूम कर जाना पड़ता था नाथुला पास से, नाथुला पास से फिर बहुत सारा एरिया जो था वो चाइना का लेकर जाना पड़ता था, फिर वहां पे पहुंचते। तो देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हु इनॉग्रेटेड इट ऑन 8 मई सेड रोड बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्ट्रेटेजिक रिलीजियस एंड ट्रेड रीजन। ठीक है, ट्रेड रीजन के कारण इसके अंदर ये बनाई गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है इसके अंदर 3 रूट्स प्रेजेंट थे, एक तो सिक्किम से था, एक नेपाल के थ्रू जा रहा था, एक उत्तराखंड के थ्रू जा रहा था। ठीक है, तो उत्तराखंड वाला जो रूट है ना उसके अंदर हमने ये शॉर्टकट बना दिया, इसको शॉर्टकट बना। अगर आप देखेंगे जो सिक्किम से जा रहा था ना, इसके अंदर अगर हम किलोमीटर्स में देखेंगे तो 2780 किलोमीटर तक हमें चलना पड़ता था तब जाकर जाता था। नेपाल से जाता उसमें और भी ज्यादा 3090 किलोमीटर तक हमको जाना पड़ता था तब जाकर इसके अंदर हम पहुंचते थे। यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर अपन देखेंगे तो 200 से 250 किलोमीटर तक का रोड है, उसके अंदर हमको जाना है बस, है ना। तो ये देखिए कितना शॉर्टकट है, यहाँ पे हमको 301 किलोमीटर चलना है, यहाँ पे 3000 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पे 2780 किलोमीटर। तो पहले हम यहाँ से जाते थे या फिर यहाँ से जाते थे, पर अब हमने उत्तराखंड के अंदर एक रोड बना दी जिससे कि फास्टर हम चले जाएंगे, हमको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और फास्ट डायमेंशन के अंदर हम चल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें उत्तराखंड रूट जो है ना, 3 रूट थे हमारे पास, सिक्किम और नेपाल वाला रूट हम यूज कर रहे थे, पर ये बहुत ही लेंथी रूट है, ठीक है। और इसके अंदर हमको अगर हम जाते हैं इसके अंदर, तो इनके अंदर हमको 20% जर्नी इंडिया के अंदर होती थी, बाकी 80% जर्नी जो होती थी वो चाइना के अंदर होती थी। सोच कर देखो, मतलब इंडिया से हो गए इतने में चाइना आ गया, फिर चाइना से ऐसे घूम के ये जा रहे हैं, 80% जर्नी फिर यहाँ पर पहुंचे, 80% जर्नी चाइना में, तो 80% टाइम तक तो हम चाइना में घूमते थे फिर इस तरह। पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे उत्तराखंड वाला ये जो होगा, इसके अंदर चीजें थोड़ी सी साफ होंगी कि 84% लैंड जो होगा वो इंडियन रोड्स पे रहेगा जर्नी, ठीक है, और 16% जो होगा वो चाइना पे होगा। मतलब कुछ इस तरह का समझ में आ रहा है सबको। ये उत्तराखंड का इसलिए भी था क्योंकि भारत के अंदर 84% तो चलना हमको भारत के अंदर रहेगा और 16% चाइना के अंदर रहेगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कभी आ जाता है ना, तो इतनी आपको डिटेल्स लिखनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल का, उसके बारे में बताओ सर, इसमें फिर आपको ये डिटेल लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे आप कि साहब देखो हमको जाना है एनुअल कैलाश मानसरोवर यात्रा, वो जाना ही है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास 3 रूट है। पहला रूट जो था दैट इज थ्रू सिक्किम हम जाते थे, है ना, सिक्किम के थ्रू जाते थे। यहाँ पर हमको 2780 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री हम यहाँ पर चलते। दूसरा जो जाते थे हम नेपाल के थ्रू जाते थे, नेपाल के थ्रू, यहाँ पे भी सर 3000 किलोमीटर 3090 किलोमीटर हमको चलना पड़ता था तब जाकर हमको। तीसरा था उत्तराखंड का, पर उत्तराखंड से हम जा नहीं पाते थे जो कि यहाँ पे हमने रोड नहीं बना रखे। अब हमने यहाँ पे एक रोड बना दी, ठीक है, और रोड बना दी। और हम देखेंगे यहाँ पर रोड बनाने के बाद 350+ किलोमीटर के अंदर ही ये हो जाता है, ठीक है, ये अपना 350 किलोमीटर के अंदर ही ये हमारा कवर हो जाता है। तो ये तो सर मिरेकल है ना, ये मजेदार रोड है, पर ये रोड बनाई हमने, ये इसके अंदर से अब हम नहीं जाएंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर 80% हमको चाइना में रहना पड़ता था, ठीक है, और 20% इंडियन रोड्स पे हम चलते थे। यहाँ पर 84% हम इंडियन रोड पे चलेंगे और 16% जो होंगे वो चाइना। ये चीज आप समझ गए? एनीबडी हैज एनी डाउट? एनीबडी हैज एनी डाउट? काइंडली लेट मी नो। रोड तो बन गई, जा भी रहे मानसरोवर यात्री मस्ती से, पर दिक्कत ये आ गई, दिक्कत ये आ गई कि भाई नेपाल को इशू हो गया। नेपाल ने कहा भाई तुमने यहाँ पे रोड कैसे बनाया, ऊपर से तुम अनाउंस और कर रहे हो और हीरो और बन रहे हो कि भाई स्ट्रैटेजिक रोड है हमारी, ये है, ठीक है। तो ये देखिए धरचूला लिपुलेख रोड जो है इसका नाम है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ पिथौरागढ़
तवाघाट और घटियाबार रोड। पिथौगढ़ से अगर हम देखें तवाघाट और तवाघाट से घटियाबागर जो रोड थी ना ये बनी हुई थी पहले से। हमने क्या बनाई है, घटियाबाग रोड से लिपू लेक तक हम चले गए 80 किलोमीटर की रोड बनाई, ये नई रोड बनाई है, इससे ये कनेक्टिविटी हो गई, समझ में आ रहा है। तो इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ पिथौरागढ़ से तवाघाट और तवाघाट से घटियाबागर रोड जो है वहां तक का। इसके बाद हमने लिपू लेक पास तक का 80 किलोमीटर रोड बनाया ना, इसके बारे में बात हो। और ये अगर हम देखेंगे तो घटियाबागर से लेकर और ये लिपू लेक पास तक बनाया, और यहाँ पर चाइना, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम किसको आ गया है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है नेपाल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है गवर्नमेंट हैज अंडरलाइन दैट थ्रू द इम्प्रूव्ड रूट यात्रीज डू नॉट नीड टू फाइंड डू नॉट नीड टू गो थ्रू द अल्टरनेट रूट, अल्टरनेट रूट पे नहीं जाना पड़ेगा। वन थ्रू द, एक तो नाथुला पास से जाते थे, इसमें 2780 किलोमीटर लगते थे, अदर वाया 3090 किलोमीटर नेपाल से हम जाते थे। और यहाँ पर अगर हम देखें 20% जर्नी जो थी इंडियन रोड्स पे रहती थी, बाकी सब चाइना के रोड्स पे रहती थी, ये दिक्कत आ। पर अब जो नई रोड बनी है, ठीक है, नई रोड जो बनी है उसके अंदर अगर हम देखेंगे 84% लैंड जर्नी ऑन इंडियन रोड्स एंड ओनली 16% इन चाइना। और शॉर्टेस्ट एंड चीपेस्ट रूट है 1/5 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज कम्पेयर टू अदर रूट्स, सारे जो अदर रूट्स है उसके अंदर से ये 1/6 इसके अंदर, 1/5 जो होगा पैसा इसके अंदर लगे, 1/5 डिस्टेंस हो जाएगा। जहां पहले 100 किलोमीटर चलना पड़ रहा था हमको, अब हमको 20 किलोमीटर में ही हम पहुंच जाएंगे मानसरोवर कैलाश। इस तरह से हो। अब ये तो भैया 8 तारीख की न्यूज है, 8 तारीख अगले दिन नेक्स्ट डे नेपाल ने इसके ऊपर कहा कि भैया ये क्या कर दिया तुमने, नेपाल इस तरह से, नेपाल ने कहा कि भाई ये अभी तो ये डिसाइडेड ही नहीं हुआ कि तुम्हारा था, तुमने तो पिथौरागढ़ घटियाबाग से लेकर लिपू लेक तक रोड खींच दी, बिल्कुल पास में आ गए हमारे, बिल्कुल इधर तो नेपाल ही है पास में, और ये तो एरिया हमारा था, इसके अंदर तुमने रोड बना दी, और वो तो स्ट्रेटेजिक रोड है, रिलीजियस रोड है। तो बोला कि भाई ये एक तरह से तुम्हारा बिन हमारे पूछे यूनिलेटरल एक्ट है, जिसके अंदर तुमने हमारे कंसर्न्स को नहीं रखा, और ये जो बायलेटरल अंडरस्टैंडिंग करते हो तुम, हम दोनों के अंदर बीच में बायलेटरल स्टैंडिंग थी कि भाई ठीक है इसमें रोड वोड नहीं बनाएंगे अपन, ये जब बायलेटरल अंडरस्टैंडिंग था उसका तुमने वायलेशन करा, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर बोला। तो यहाँ पर देखिए नेपाल का रिएक्शन ही आएगा। नेक्स्ट डे नेपाल फॉरेन मिनिस्टर इशूड स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट ओवर द न्यू दिल्ली यूनिलेटरल एक्ट विच इट सेड वेंट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ बायलेटरल अंडरस्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर लेवल के अंदर जो बायलेटरल अंडरस्टैंडिंग थी उसके अगेंस्ट में ये चीज आपने करी है। इट आस्क इंडिया टू रिफ्रेन कैरी फ्रॉम कैरिंग एनी आउट एनी एक्टिविटीज इनसाइड द टेरिटरी ऑफ द नेपाल, कि नेपाल की टेरिटरी के अंदर कोई भी काम इस तरह से तुम नहीं करो। हमने कहा कि भाई साहब ये कहां से तुम्हारी टेरिटरी हो गई, तो हमारी टेरिटरी थी, हम इतने सालों से यहां पे रह रहे हैं, कब से तुम्हारी टेरिटरी हो गई, मैप देखो। तो नेपाल ने अपना क्या करा, मैप भी बदल दिया, मैप बदल दिया, मतलब पार्लियामेंट के अंदर इसने क्या करा, बहुत गंदा काम है ना, बहुत खराब काम करा। इतने दिनों से इशू था, सब कुछ सॉर्टेड इशू था, पर नेपाल थोड़ा ज्यादा भड़क गया था, थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग कर गया, और इसने क्या करा अपने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमारा नया मैप जो होगा ना उसके अंदर ये जो लिपू लेक वाला एरिया है वो हमारा हो, और उसने नया मैप बनाया और पार्लियामेंट से पास करवा दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि बात बायलेटरल टॉक्स पे तक थी जब तक ठीक था, पर वो पार्लियामेंट में ले जाकर उसने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके भाई नेपाल ये है। अब कभी भी नेपाल मतलब ऑफिशियल हो गया ना, तो बिल्कुल ऑफिशियल हो गया कि नेपाल यही मानता है, अब तो कहीं संभावना ही नहीं है कि टॉक्स करेंगे, ये तो हमारा मैप है। और जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर का जो एरिया है जो मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर एरिया, ठीक है, वो नेपाल ने अपने अंदर रखा है। देखिए ये वाला जो एरिया है इसने कहा कि ये हमारा एरिया, ठीक है। तो नेपाल अनवील्ड द न्यू मैप ऑन 20 आफ्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड धरचूला लिपू लेक लिंक रोड ऑन May 8। न्यूज़पेपर का कटिंग इसलिए देता हूँ जिससे तुमको बिल्कुल एक क्लियरिटी में आ जाए, अथेंटिसिटी भी हो जाए तुम्हारे जवाब, ठीक है ना। तो ये इशू था, इसके कारण नेपाल ने नया मैप रखा May 20 को, ठीक है। May 8 को ये इशू हुआ था और नेपाल ने नेक्स्ट डे इसका रिजर्वेशन करा था May 9 को, और May 20 को आते आते तो नेपाल ने नया मैप ही बना दिया अपना। नेपाल हैड अर्लियर क्रिटिसाइज्ड स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड व्हेन अपडेटेड इंडियन मैप पब्लिश इन नवंबर लास्ट ईयर शोड द रीजन। अब देखो ये जो स्टार्टिंग हुआ था ना, जब हमने क्या करा था, हमने एक नया मैप बनाया था, जब हमने कहा था कि भाई
आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करा था और फिर नया मैप बना था जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी और हमारा जो जी था लद्दाख था उसको भी एक यूनियन टेरिटरी दिखाया गया था। तो उस मैप को लेकर भी इन्होंने कहा कि भाई इस मैप में आपने उत्तराखंड वाला एरिया तो इसके अंदर रखा है, अपनी अपनी साइड रखा है, इस नया मैप जब आपने बनाया तो उसके अंदर उत्तराखंड एरिया जो है वो हटाओ, हमको दो उत्तराखंड वाला जो लिपू लेक वाला जो एरिया है, लिम्पिया दुर्रा वाला एरिया। हमने कहा भाई हमने तो कुछ चेंज नहीं करा, हम तो सिर्फ ये करा है कि भाई कश्मीर जो है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, उसको ये बनाया। उस वक्त भी उन्होंने लास्ट नवंबर को भी, लास्ट ईयर नवंबर को भी जब हमने आर्टिकल 370 के बाद नए मैप्स डाले थे उस वक्त भी उन्होंने अपोज करा था, पर इस वक्त तो ये एक कदम आगे चले गए। नेपाल क्लेम्स राइट टू द रीजन, नेपाल कहता है कि ये रीजन हमारा है एंड सेज इंडिया वाज अलाउड टू स्टेशन ट्रूप्स देयर इन 1950 में हमने इनको अलाउ कर दिया था कि भाई तो यहाँ पर ट्रूप्स लगा लो, क्यों ये मैं बताऊंगा। एंड दैट दिल्ली हैज रिफ्यूज्ड टू रिमूव द फोर्स फ्रॉम द दैट रीजन, आज की आज तक उन्होंने हमको हमारे यहाँ से फोर्सेस हटाई नहीं है अभी तक फोर्सेस। एक बार हमने इनको अलाउ कर दिया था कि हाँ यहाँ पर ट्रूप्स लगा लो, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ क्यों अलाउ करा था, क्या हुआ था, ये सब चीजें बताता हूँ। पहले बताओ यहाँ तक क्या डायमेंशन सबको क्लियर है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन सर? यस, अगर वो शॉर्टेस्ट रूट था तो नेपाल के लिए भी सप्लाई के लिए तो वो इजी वे था ना, जो इंडिया से होता है सप्लाई एड एंड फूड सप्लाई, तो यहाँ से भी हो रहा है फूड सप्लाई। देखो बात ये बात जमीन की है, टेरिटरी की है कि ये जमीन हमारी है और इस जमीन का इंपॉर्टेंस अभी मैं तुमको बताऊंगा। फूड सप्लाई तो हो ही रहा है ना, हर जगह से हो जाएगा फूड सप्लाई, तो यहाँ से होना जरूरी थोड़ा ना, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। अब इस एरिया का इंपॉर्टेंस समझो और चाइना का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर समझो। अच्छा ये मैप समझ रहे हो आप, ठीक है कि ये जो एरिया है यहाँ पर अपना एरिया हो गया, ये रिवर का डायरेक्शन इन्होंने ये रिवर मानी है ना, हम ये वाली रिवर मान रहे, ये वाली रिवर मान रहे, इसने ये रिवर मानी, ठीक है यहाँ पर समझ में आ रहा है इनका मैप, ये दिख रहा है ओरिजिनल वर्जन में ये चीज नहीं था, ठीक है ओरिजिनल वर्जन में ये चीज नहीं था और यहाँ पर अब ये वाली चीज आ गई इस वाले वर्जन। इतना समझ में आता है सबको, समझ में आएगा? यस सर। अंकिता इज दिस क्लियर, अंकिता देवयानी? यस सर। ठीक है, यस सर, ठीक है। अब ये चीज अपन ने इसके अंदर देखी, अब देखो दिक्कत क्या है, अब वापस से अपन चलते हैं यहाँ पर, ठीक है इस वाले में। देखो ये जो एरिया है ना, ये जो पॉइंट है, ठीक है ये पॉइंट एक ट्राई जंक्शन पे, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे इंडिया है, इंडिया। अब भारत ने जो रोड बनाया, ठीक है लिपू लेक तक है ना, गटियाबाग से लेकर लिपू लेक तक रोड बनाया, इससे चाइना भी परेशान है। चाइना क्यों परेशान है? अरे भाई कभी युद्ध हो गया तो आराम से इस रोड से मोबिलाइजेशन हो जाएगा, ट्रक आ जाएंगे, मिलिट्री ट्रक्स है ना मोबिलाइजेशन। तो एक तो ये चाइना को भी प्रॉब्लम है इस रोड से, ठीक है चाइना को प्रॉब्लम है, पर चाइना क्या कर रहा है, चाइना किसके छाती पे बंदूक रख के, मतलब कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है, नेपाल के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो रोड है, ठीक है इस रोड से अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो ये नेपाल का जो क्लेम है इसकी टेरिटरी पे वो वीक हो जाता है, नेपाल ये कहता है कि हमारा एक। अच्छा अब 1950s के अंदर क्या हुआ था, 1950s के अंदर नेपाल ने खुद ने बोला था कि इंडियन ट्रुप यहां पर खड़ी हो जाओ, यहां पर खड़ी हो जाओ सर, क्यों कि साहब हमको रात में एक सपना आया, क्या सपना आया कि माओ जेडोंग जो है ना, माओ जेडोंग उन्होंने पामन डिजिट चोरी लगा दी, पामन डिजिट चोरी याद करो, पामन डिजिट चोरी के अंदर वन ऑफ द डिजिट इज व्हाट, एक डिजिट कौन था, नेपाल वाज वन ऑफ द डिजिट, संगारा अरुणाचल प्रदेश भूटान सिक्किम नेपाल और लद्दाख। तो नेपाल को डर लगता था कि भाई ये माओ जेडोंग ने जो 1949 के अंदर पामन डिजिट चोरी लगाई है तो हम तो भाई छोटू सा देश है और ये वाला एरिया अगर हम दोनों लड़ते रहेंगे तो इससे वाले एरिया को तो ये ले ही जाएगा, कम से कम पूरे देश को नहीं लाए तो इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पर राणास का शासन है इस वक्त और राणास ने रिक्वेस्ट करा था इंडिया से कि भैया तुम प्रोटेक्ट कर लो इस एरिया 1950। इज दिस क्लियर? और यहाँ पर इंडिया की फोर्सेस आकर बैठ गई थी और आज भी इंडिया की फोर्सेस यहाँ पर बैठी, ऐसा नेपाल कहता है कि भाई हमने 1950 के अंदर तुमको आने क्या दिया, तुम तो इसको अपना ही मानकर बैठ गए, हमने रिक्वेस्ट करी थी, हमने कहा कि तुम्हारे रिक्वेस्ट करने का मतलब ही नहीं, हम ये वाली नदी मान रहे हैं, ये नदी है और तुम मानते हो कि ये वाली नदी है, ये दिक्कत है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब ये सेंटेंस तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा, देखिए नेपाल क्लेम्स राइट टू द रीजन कि ये हमारा रीजन जो है ना इसके ऊपर हमारा अधिकार है, राइट अधिकार वाला राइट है, ठीक है टू द रीजन एंड सेज इंडिया वाज अलाउड टू स्टेशन ट्रूप्स देयर इन 1950s
एंड दैट दिल्ली हैड रिफ्यूज टू रिमूव द फोर्सेस फ्रॉम द रीजन एवर सिंस. उसके बाद से दिल्ली ने हटाई. क्यों? इंडिया को अलाउ करा था इन्होंने, इंडिया को कहा था इन्होंने कि स्टेशन ट्रुप कर दो. क्यों करा था? इसलिए आपको बता रही थी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता था कि कहीं चाइना है ना सबको कब्जा ना ले. ये छोटे छोटे, ये नेपाल भूटान ये सब बहुत डरे हुए थे और इन्होंने सोचा कि भाई इंडिया का, इंडिया एक बड़ी कंट्री, इसके साथ हो लो. और इसी टाइम पर अगर आपको याद हो तो 1950s के अंदर ही दोनों कंट्री ने इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी और इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी. क्यों की गई थी? समय देखो, समय इसलिए की गई थी क्योंकि उसी वक्त नेपाल के चाइना की तरफ से एग्रेशन आ रहे थे. इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर ये समझो, ये जो नदी दिख रही है ना, इसको ये काला पानी रिवर मान रहे हैं, इसको काली रिवर मान रहे हैं, महाकाली रिवर. ठीक है, हम कहते हैं कि महाकाली रिवर ऐसे बह रही है, ये कहते हैं कि ऐसे बह रही है और ऐसे बहेगी. तो ये इस तरह से ये दिखाते हैं यहाँ पर अपना मैप के अंदर. ये जो चीज है देखिए, ओरिजिनल मैप में नहीं है, ओरिजिनल वर्जन में नहीं रही, पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाए इस तरह का ये जो एरिया है. ये इशू है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस इशू. और इशू, इस इशू में कहीं ना कहीं पीछे क्या है, फिर चाइना कहा था, ठीक है. और इंडिया के जो उस वक्त वो थे आर्मी चीफ थे, उन्होंने बोल भी दिया था कि नेपाल जो है ना वो किसी और की कंट्री के से के दबाव में आकर ऐसा कर रहा है और नेपाल की सोवरेंटी हैम्पर हो रही है इससे. और उसके ऊपर बहुत बड़ा इशू हो गया था कि भाई तुम्हारा आर्मी चीफ ऐसा कैसे बोल दिया कि हम सोवरेन नहीं है, हम किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, हम सोवरेन नहीं है और हमारा किसी कंट्री के ऊपर हम उछल रहे हैं, ऐसा बोल दिया था उन्होंने. तो उसके पर भी वॉल पर दैट इज अनदर इशू. वो इतना समझ में आ गया सबको? इज दिस क्लियर? तो नया नेपाल का मैप जो है उसके अंदर नेपाल ने ये वाला एरिया जो है वो नेपाल ने कहा ये हमारा है और ये है इंडिया और ये जो एरिया है ना ये हमारा है, ठीक है. और ये जो रोड बनाएंगे इसके अंदर, ये स्ट्रेटेजिक रोड इसलिए भी बोली गई स्ट्रेटेजिक क्योंकि हम चाइना के काफी करीब आ गए इस रोड से, ठीक है. अब मान ले चाइना अटैक करता है तो एक सोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन हमारे यहाँ पर हो जाए. ये होता रहता है ना नेपाल के अंदर, एग्रेशन होता रहता है नेपाल के अंदर. देखो जो पहले डेमोक्रेट्स थे ना, कालीन जी समझो, डेमोक्रेट्स पहले बहुत चमचे थे किसके, इंडिया के. आजकल डेमोक्रेट्स भी चमचे नहीं रहे इंडिया के, ये दिक्कत हो गया, ठीक है. आजकल नेपाल के साथ जो डेमोक्रेट्स का रिलेशन था, इंडिया के साथ जो डेमोक्रेट्स का रिलेशन था कि हम डेमोक्रेट्स चाहते हैं वहां पर, वो भी ऑलमोस्ट किसके साइड है, चाइना के साइड ही, राइट. कम्युनिस्ट तो है, डेमोक्रेट्स भी है. तो कोई भी, क्योंकि लोगों के अंदर एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स हैं और लोगों को मोबिलाइज करना होगा तो तुम्हें ये सब काम करने ही पड़ेंगे. लोगों के अंदर एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स है और लोग को अगर डेमोक्रेट्स को ऐसे बोलेंगे, डेमोक्रेट्स कैसे कहेंगे कि भाई हम जो है वो इंडिया के सपोर्ट में है, तो लोग उनको वोट ही नहीं देंगे. दिस इज द रीजन. इंडिया क्या बोलता है इन सब के ऊपर? इंडिया ऐसे बोलता है, रिएक्टिंग टू नेपाल ऑफिशियली इशूइंग ए न्यू पॉलिटिकल मैप वेडनेसडे दैट शोज कालापानी, लिम्पिया दुर्रा एंड लिपुलेख एज पार्ट ऑफ द एंटिटी. इंडिया सेड द यूनिलैटरल एक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एविडेंसेस एंड फैक्ट्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस एंड फैक्ट्स भी नहीं है, एंड दैट इट वुड नॉट एक्सेप्ट आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरी क्लेम्स. कि नेपाल कल को तो कहेगा कि भारत के अंदर दिल्ली भी भारत का ही है, तो ऐसे आर्टिफिशियल तुम वन साइडेड करते रहो तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है. एनी डाउट यू करना? दिस इज द बॉर्डर इशू ऑफ इंडिया एंड नेपाल. इंडिया और नेपाल के बीच में यही एक बॉर्डर इशू. ठीक है, अब दूसरी जो टॉपिक अपन को करना है दैट इज ट्रीटी ऑफ इंडिया एंड नेपाल. ट्रीटी ऑफ इंडिया एंड नेपाल ये हमको पढ़ना. वॉट इज जेन्युइन ओरिजिन ऑफ काली रिवर? नोबडी नोज. ठीक है, सब अपने हिसाब. हम तो जेन्युइन ओरिजिन बोलेंगे कि भाई उस तरफ से आ रहा है जहां पे लिम्पिया दुर्रा एरिया हमारा हो जाए, ठीक है. तो ये ब्रिटिशर्स भी इसको पता नहीं था, ब्रिटिशर्स भी दो मैप बनाकर चले गए, ठीक है. तो ऐसा कि कोई रिवर का ओरिजिन कोई उधर से आ रही है रिवर या फिर इधर से आ रही है उसके ऊपर डिबेट है ना. तो ट्रीटी ऑफ इंडिया एंड नेपाल, तो हमेशा हमको तो इंडिया का साइड का ही देखना है भाई. हमको तो हमेशा ये कहना है कि भाई इंडिया का जो है वही ओरिजिन है, नेपाल जो है वो यूनिलैटरल एक्ट कर रहा है और ये इस तरह की चीजें कर रहा है नेपाल, ठीक है. हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना है, आप कभी भी ऐसा मत कहना कि नेपाल का क्लेम फिर भी ठीक है सर, हमारा तो ऐसा ही है, ऐसा कभी मत कहना है ना, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट अवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेंटी, जो कि भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेंटी को हमको हमेशा प्रोटेक्ट. कभी ऐसा मत कहते हैं सर अरुणाचल प्रदेश पे अगर हम देखें सर
बिल्कुल अनबायस्ड हो गए, क्योंकि सिविल सर्वेंट की इक्वालिटी इम्पार्शलिटी भी होती है, अनबायस्ड भी होती है। तो अगर हम नेशनलिज्म को रखें साइड में तो हम कहें सर अरुणाचल प्रदेश है तो चाइना कहीं, ठीक है ऐसा मत कर जाना कभी, ठीक है। कम से कम विद रेस्पेक्ट टू ये सब चीजें जो है उनके रेस्पेक्ट में तो आपको नहीं करना, ठीक है। मैप के रेस्पेक्ट में तो कम से कम नहीं करना, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेंटी के रेस्पेक्ट में तो नहीं। एनी डाउट? ठीक, चलिए। ये इशू अभी तक चल रहा है ना नेपाल के साथ हमारा। हम नेपाल कहता है कि हमारे एरिया पे लेकर बैठ गए, ठीक है, रोड बना लिए, इस तरह से। चलिए, नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ नेपाल, इंडिया एंड नेपाल। और इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी होती है, दैट इज इन 1950। और वैसे तो अगर हम देखें ट्रीटी को ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो दिस ट्रीटी इज इन फेवर ऑफ नेपाल, इन फेवर ऑफ नेपाल। बट फिर भी ये नेपाल के अंदर एक तरह से बोन ऑफ कंटेंशन है विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, कि इंडिया के अंदर एंटी नेशनल फीलिंग जनरेट करने की एक तरह से ये ट्रीटी एक रैलिंग पॉइंट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अब इस ट्रीटी में क्या है क्या नहीं है मैं आपको समझाता हूँ, और ये ट्रीटी क्या है, कब हुई थी ये मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले ये ट्रीटी जब हुई थी दैट वॉज ऑन 31 जुलाई 1950। और ऑब्वियसली ये ट्रीटी इसलिए साइन की गई थी जिससे कि क्या करें, जिससे कि जो एक सेंडिस की में सकते है ना इंपॉर्टेंट कॉलेज, यस। तो 31 जुलाई 1950 को आपने को एक बात बताएं कि कौन होगा वहां पर रूलिंग पार्टी, ठीक है, नेपाल के अंदर बताएं। राणा, राणा ठीक है। अच्छा, राणा लोगों को पसंद थे क्या? नहीं थे सर, पसंद नहीं थे सर राणा, है ना। तो ये ट्रीटी जो है ना राणा से साइन हुई, ठीक है। तो आप ये यहाँ पे देखिए, ट्रीटी वॉज साइंड एट काठमांडू, ठीक है, ऑन 31 जुलाई 1950 बाय द लास्ट राणा प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल मोहन शमशेर जंग बहादुर, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के,
और इंडिया की तरफ से कौन गया है? इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नहीं गया, यहाँ पर एम्बेसडर गया है टू नेपाल, राजदूत जो होते हैं, डिप्लोमेट्स जो होते हैं, चंदेश्वर नारायण सिंह, एंड केम इनटू द फोर्स द सेम डे, उसी दिन ये ट्रीटी साइन हो गई थी 31 जुलाई 1950 को। पॉइंट नंबर वन, ठीक है। अब ये ट्रीटी 1950 के अंदर ही क्यों साइन हुई? सर क्योंकि नेपाल है ना डर रहा था, नेपाल की रातों की नींद उड़ी हुई थी। क्यों उड़ी हुई थी? क्योंकि यहां पर उसको लग रहा था कि चाइना कहीं इसको कब्जा ना ले, ठीक है। दैट्स व्हाई नेपाल ने क्या करा, नेपाल ने कहा कि हम एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं भारत के साथ और नेपाल के साथ। नेपाल ने एक तरह से ट्रीटी साइन कर ली। उस वक्त जब नेपाल जो था ना, उसको खुद को नहीं पता था कि वो सोवरेन कंट्री है कि नहीं है, है ना। ये ट्रीटी का पहला पॉइंट ये है कि इंडिया ने नेपाल को रिकॉग्नाइज करा कि नेपाल यू आर ए सोवरेन कंट्री, तुम एक सोवरेन कंट्री हो, क्योंकि इसको लगता था कि इसकी सोवरेनिटी जो है दैट कैन बी हैम्पर्ड एनी टाइम बाय द चाइना। तो ये कहा कि तुम एक सोवरेन कंट्री हो, डोंट वरी अबाउट दिस। और इन्होंने कहा कि इंडिया और नेपाल जो है वो आपस में एक तरह से म्यूचुअल कॉपरेशन का रिलेशन रखेंगे, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन का रिलेशनशिप रखेंगे, ठीक है, और दो एक दूसरे की टेरिटरी को क्या करेंगे, टेरिटरी को हम रेस्पेक्ट करेंगे और हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ठीक है, वी आर मेड फॉर ईच अदर। और हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे को नेशनल ट्रीटमेंट देंगे, किसी भी जो कंपनीज होंगी उसको नेशनल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई हम तुम्हारे बड़े भाई के, ठीक है, इंडिया ने बोला कि वी आर योर एल्डर ब्रदर, और एल्डर ब्रदर के होने के नाते हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे लोगों को एक अधिकार देते हैं कि हे नेपाली, हे नेपाली लोगों, तुम यहां पर आकर आराम से क्या कर सकते हो, आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब का आईएएस ऑफिसर, ये सब चीजें नहीं मिलते। पर आप देखेंगे कुछ सीट्स जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर, कुछ लोअर सीट्स जो है दैट आर रिजर्व फॉर द नेपाली पर्सन्स, ठीक है, कि तुम हमारे यहाँ पर आकर गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आकर एम्प्लॉयमेंट सीख, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। हम आपको ये कहते हैं कि एक बड़ा भाई होने के नाते हम आपको ये चीज देते हैं। दूसरा बात यह है कि हम तुम्हारे यहाँ पर जॉब करने नहीं आए, तुम्हारे पब्लिक सेक्टर में हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं लेंगे, तुम ले लो, हम नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब कि तुम लोग आकर हमारी कंट्री के अंदर जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर देखिए, इट रिकॉग्नाइज नेपाल एज ए सोवरेन कंट्री, इंडिया नेपाल विल गिव नेशनल ट्रीटमेंट टू ईच अदर्स नेशन, एक दूसरे नेशन को नेशनल ट्रीटमेंट देंगे जिसमें सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रेस्पेक्ट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट, एज एन एल्डर ब्रदर इंडिया हैज बार्ड द नेपाल ऑफ इट्स नेशनल टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द नेपाल पब्लिक सेक्टर, नेपाल के पब्लिक सेक्टर के अंदर हम लोग नहीं आएंगे, पर आप हमारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं, आ सकते हैं। इंडिया विल अलाउ नेपालीज टू सीक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक सेक्टर, इवन सम सीट्स इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन आर रिजर्व फॉर द नेपालीज, ठीक है। इवन हमारी जो बॉर्डर है, आपको दिख रहा है क्या अभी, एक सेकंड, जस्ट गिव मी, ठीक है। एज एन एल्डर ब्रदर जो है कि इंडिया हैज बार्ड कि हमारे लोग आकर तुम्हारे यहाँ पर, इसीलिए आप देखते हैं कि नेपाली लोग का एम्प्लॉयमेंट होता है। कल शायद किसी ने पूछा भी था, आयुष सिंह वैशाली ने पूछा था इसका क्वेश्चन, है ना। तो नेपाली लोग आकर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, एंड ओपन बॉर्डर विल बी देयर, इन दोनों के बीच में ओपन बॉर्डर रहेगी, इंडिया और नेपाल के बीच में आराम से ओपन बॉर्डर रहेगी, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं, वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ओपन बॉर्डर का मतलब कि वीजा नहीं लगेगा, भाई एक ही रास्ते है, एक तरह से मतलब एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं यहाँ पर कि हमको वीजा अलाउ नहीं है। अभी आप नेपाल जा सकते हैं बिना वीजा के, ठीक है। हम देखते हैं कि कुछ 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 कभी कभार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई इंडिया के अंदर बहुत बड़ा गैंगस्टर है, ठीक है, उसको पुलिस ढूंढ रही है, वो पुलिस से लड़कर भागने की सोच रहा है, तो वो सीधे नेपाल जाता है बिकॉज वहां पे वीजा नहीं लगता, नेपाल की तरफ चल जाता है, राइट। तो हमने ये देखा है कई बार, ठीक है, मूवीज के अंदर भी दिखाते हैं, राइट, कि नेपाल क्यों चल जाते हैं, सर ये नेपाल में ऐसा क्या है, नेपाल को क्यों अड्डा बना रखा है लोग, क्योंकि वीजा नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो ये चीज है, बट ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो दैट आर इन फेवर ऑफ व्हाट, इन फेवर ऑफ नेपाल,
इन फेवर ऑफ नेपाल। बट फिर भी नेपाल के लोग जो है इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाकर रख रखा है और कह रखा है कि ये ट्रीटी जो है दैट इज अगेंस्ट द सोवरेंटी ऑफ नेपाल, नेपाल की सोवरेंटी के अगेंस्ट में। और इसका क्रिटिसिज्म हम देखते हैं कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो, नेपाल इनिशियली कंप्लेन दैट व्हेन द ट्रीटी वाज कंक्लूडेड 1950, सबसे पहले नेपाल ने बोला कि तुमने ये ट्रीटी किसके साइन करी एक बार बताना जरा। हमने कहा कि तुम्हारा जो राणा प्राइम मिनिस्टर था ना उसके साथ करिए। बोले ले, राणा को तो हम मानते ही नहीं, हम लोग मानते ही नहीं राणा को। तुमने उस आदमी के साथ ट्रीटी साइन करी जिसको हमने कभी रिकॉग्नाइज नहीं करा नेपाल के सिटीजन से। इसीलिए तो ये ट्रीटी जो है तुमने एक साइडेड वन साइडेड करी है, इंडिया को फेवर करती हुई ट्रीटी, जबकि ऐसा ट्रीटी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम देखेंगे ना ट्रीटी के अंदर तो ज्यादा नेपाल के अंदर ही, नेपाल को ही जो है ना ज्यादा इसके अंदर वेटेज मिल रहा है। पर ये बोलते हैं तुमने राणा के साथ करी, पहली पॉइंट तो ये। अच्छा तुम्हारे इधर से कौन आया था? बोले हमने, हमारे यहाँ से शमशेर नाम के एक डिप्लोमेट आए थे, इंडियन डिप्लोमेट। और तुम्हारे यहाँ से डिप्लोमेट आया, हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर आया, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा था भैया? तो ये एक अनइवन ग्राउंड्स पे ये क्या करा गया है, ट्रीटी साइन करी गई है। इट इज इंसल्ट टू व्हाट नेपाल, नेपाल के लिए एक तरह से ये इंसल्ट है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, नेपाल इनिशियली कंप्लेन दैट व्हेन, अब ट्रीटी के पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रीटी के पॉइंट्स में पहले ही दिक्कत थी, वो हमने सॉर्ट आउट कर लिया था कि नेपाल का भी फॉरेन रिलेशन बनाएगा तो हमसे पूछ के बनाए, हथियारों को इम्पोर्ट करेगा तो हमसे पूछ कर करे, ठीक है। बट बाद में फिर हमने ये ट्रीटी के अंदर रिवाइज करके ये चीजें हटा दी थी। बट यहाँ पर अभी भी ये एक रेलिंग पॉइंट है ना, ट्रीटी विद द राणा रूल्स, नेपाल एलिजेस दैट इंडिया साइंड द ट्रीटी विद द राणा हु हैड बिकम अनपॉपुलर, जो कि अनपॉपुलर। दूसरा पॉइंट जो इनका रहता है वो ये होता है, फैक्ट दैट ट्रीटी वॉज साइंड ऑन इंडियाज बिहाफ बाय समवन हु इज लेसर डेजिग्नेशन कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल वाज सीन काठमांडू एज एन इंसल्ट। ये एक इंसल्ट एंड डिसरेस्पेक्ट है प्रोटोकॉल्स का, कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर इधर से, तो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो इधर से भी प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, पर तुम्हारे यहाँ से तो डिप्लोमेट तुमने भेज दिया, राजदूत जो होते हैं वो भेज दिया, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि आर्टिकल 2, 6 और 7 जो ट्रीटी का है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा इनको दिक्कत है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, बोथ गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म ईच अदर ऑफ एनी सीरियस फ्रिक्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग विद एनी नेबरिंग स्टेट लाइकली टू कॉज एनी ब्रीच इन द फ्रेंडली रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा कंट्री है, अब देखो इंडिया और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट है कि मान लीजिए कोई दूसरा कंट्री के कारण अगर मान लीजिए हमारी फ्रेंडशिप के अंदर दरार आती है तो हमें एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। बोथ गवर्नमेंट इन्फॉर्म ईच अदर ऑफ एनी सीरियस फ्रिक्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग विद एनी नेबर स्टेट्स लाइकली टू कॉज एनी ब्रीच इन द फ्रेंडली रिलेशन। ये मतलब यह है कि चाइना के भरोसे में आकर चाइना अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है तो हमको इन्फॉर्म कर लो, हमसे बात कर। ये कहते हैं कि ये हमारे फॉरेन रिलेशन में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको फॉरेन रिलेशन किसके साथ कैसे करना है उसके अंदर करना है, जबकि ऐसा कोई इंटरफेरेंस है नहीं। अल्टीमेटली इसके अंदर जो कंटेक्स्ट है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण नेपाल डिसएग्री करे, पर नेपाल हमेशा इसके अंदर डिसएग्री करता है। देखिए आर्टिकल 6 और 7, इंडिया एंड नेपाल विल गिव द सेम प्रिविलेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंस, ओनरशिप, प्रॉपर्टी टू ईच अदर्स नेशंस, ठीक है, इन देयर टेरिटरी। इसके अंदर भी बोलता है कि भाई हमको ज्यादा एक थोड़े से राइट्स चाहिए, क्योंकि वी आर व्हाट, वी आर ए बफर स्टेट, हमें और ज्यादा राइट्स चाहिए, ठीक है। हमारे को एम्प्लॉयमेंट के राइट ज्यादा चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के राइट ज्यादा चाहिए, जबकि हमने एम्प्लॉयमेंट का राइट पहले से ही ज्यादा दे रखा है। फिर भी कहते हैं कि ट्रीटी में तो नहीं दे रखा ना आप, तो ये तो एक तरह से कंसेशन है, कभी भी ले सकते, ठीक है, इस तरह से ये। अब भाई हमने कहा नेपाल भाई देखो इतना दिक्कत है ना भाई, तो एक काम करना है ट्रीटी बदल ले, सो सिंपल। हमको तो वैसे भी कोई मजा आ नहीं रहा है, खास आनंद आ नहीं रहा है इस ट्रीटी में, तू ट्रीटी को लेकर इतना प्रॉब्लमेटिक है, तो हमेशा जब भी हम जाते हैं कि वो बोलता है कि नेपाल और इंडिया की ट्रीटी को रिवाइज करना है, कर ले, जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को जो करना है वो कर ले इसके अंदर, ट्रीटी कैंसिल करनी है कर दे भाई, कल को कर दूंगा तेरे को ट्रीटी कैंसिल। पर यहाँ ये भी तो नहीं करता नेपाल, देखिए नेपाल की स्ट्रेटेजी देखो, नेपाल को बताइए ट्रीटी हमारे लिए, पर फिर भी क्योंकि पॉलिटिकल डायमेंशन उनको अपने हिसाब से करनी है, तो वो इस तरह से एक तरह से क्या है कि आम जनता को तो नहीं बताना ट्रीटी में क्या क्या है, आम जनता को तो ऐसे कहते हैं कि भाई इंडिया और नेपाल के बीच में जो ट्रीटी है ना इसके कारण नेपाल को दबा रखा इंडिया ने, बस आम आदमी तो बस ऐसा ही है, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने लग जाएगा। शनिवार हमारे यहाँ पे जब प्रोटेस्ट होते हैं तो कितने लोगों को सीएए के बारे में पता रहता है, कुछ नहीं पता रहता। कितने लोगों को किसान बिल के बारे में पता रहता है, कुछ नहीं पता। उनको जो लोग बताते हैं वैसे उन चल जाते हैं, ऐसा ही हर कंट्री के अंदर होता है। व्हेनेवर नेपाल हैज आस्क्ड फॉर अ चेंज इन द ट्रीटी, जब भी नेपाल ने कहा कि हमको चेंज चाहिए भाई, हमको चेंज चाहिए, कल से चेंज कर देना ट्रीटी को, इंडिया ने बोला भाई अभी कर ले तू। इंडिया एक्सेप्टेड द नेपाल रिक्वेस्ट
बट एबसेंस ऑफ कंसेंसस, पर नेपाल के अंदर ही अगर हम देखें तो कंसेंसस बिल्ड नहीं होता ऑन द इशू दैट नीड्स रिविजन प्रिवेंट्स एनी मीनिंगफुल एंगेजमेंट अबाउट द इशू. इससे कोई भी मीनिंगफुल एंगेजमेंट यहाँ पर होता नहीं. तो पॉलिटिकल डायमेंशन में देखा जाए तो ये जो ट्रीटी है, दिस ट्रीटी इज ए रेलिंग पॉइंट इन फेवर ऑफ एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स. एंटी इंडियन सेंटीमेंट जगाने के लिए एक तरह से एक रेलिंग पॉइंट है ये ट्रीटी. इतना हमको याद है, ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अभी 10-15 मिनट का और बचा है, ठीक है, नेपाल का. बट वो कल की क्लास के अंदर अपन कल तो क्लास में होगी, परसों की क्लास के अंदर हम नेपाल कर लेंगे कम्प्लीट और भूटान भी कम्प्लीट कर लेंगे. बिकॉज भूटान के अंदर ऐसा कोई इशू ही नहीं है. भूटान के अंदर तो एक दो पॉइंट है, वो अपन को करना है, ठीक है. कल सभी बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट दें, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट. यस अभिषेक, वांट टू आस्क समथिंग? सर ये कह सकते हैं कि जैसे नेपाल उस केस में इंडिया के साथ ऐसा बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करता है. बिल्कुल, बार्गेनिंग चिप भी नहीं है तो हम ये कोई इशू ही नहीं है, जबरदस्ती का इशू बना रहा. हमको कहता है नेपाल किसको रिवाइज करो, हम कहते हैं कर लो, कोई इशू ही नहीं है. बार्गेनिंग चिप मतलब ना इसको जाने दे रहा है ना इसको छोड़ रहा है, ठीक है. मतलब एक तरह से दैट इज ए पीस ऑफ केक, ठीक है. वो कह रहा है कि इसको रखना भी चाहता है खाना भी चाहता है. क्या करना चाहता है भाई तू बता दे पहले, तो वो जैसे करना है वैसे कर ले, है ना अभिषेक. यस देवयानी, वांट टू आस्क समथिंग? देवयानी प्लीज आस्क. सर नेपाल विल बी इंक्लूडेड इन टुमारोज टेस्ट और नॉट? अच्छा चलो, इट इज नॉट इंक्लूडेड, है ना. नेपाल इज नॉट इंक्लूडेड, नेपाल से पहले का कर लेना, ठीक है. अब ठीक है ना? ओके सर. तो तुम लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि सर आज तक, नेपाल से पहले तक का कर लेना, राइट. नेपाल से पहले तक का टेस्ट के अंदर सिलेबस में वो कर लेगा अच्छे से, उसको बार बार रिवाइज करना और हमेशा आंसर जो भी मैंने तुमको बताया ना वैसे ही करना अटेम्प्ट, है ना. क्वेश्चन पढ़ना 3-4 बार फिर करना आंसर, फिर जो भी गलतियां वो हम सुधार देंगे. एक चीज थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, मतलब सर हैंडराइटिंग कितना मैटर करती है सर? कुछ नहीं करता, एक बार लिखो फिर देखते हैं तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है, फिर आंसर करता हूँ. डोंट वरी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर्स विल बी वेलकम, ठीक है. सब कुछ देखा जाएगा आंसर के अंदर, बॉडी पार्ट इंट्रोडक्शन कैसा लिख रहे हो सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि मैं ही चेक कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को, ठीक है. तो एक बार लिखो, उसके बाद कोई भी डाउट होता है कैसा भी डाउट होता है आई विल क्लियर दैट वन. और ये आंसर राइटिंग ऐसा समझना कि आपने पूरी यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी अपनी, एक इंटरनेशनल रिलेशन में समझना. इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे एग्जाम्स के अंदर आप यूज करेंगे, ठीक है. तो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपन कल से, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Welcome.